एवरीवन, वेलकम टू के किचन एंड ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। वैसे तो मम्मी ही मेरे को सब्जी वगैरह कट करके देते हैं, लेकिन आज पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या सब्जी बनाएं। 12 बज गए थे और मम्मी तो 10 बजे ही सब्जी कट करके रख देती हैं। तो अभी मम्मी थे नहीं यहाँ पर, तो फिर पापा जी बोलते क्या बनाएँ, तो बोलते कि मैं सोयाबीन की बड़ी ले आता हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी रखी है, वही बना लेते हैं। पापा जी ने बोला भी था कि कम पड़ेगी, मैंने कहा नहीं काफ़ी हैं वो, क्योंकि आलू डाल लूँगी थोड़े ज़्यादा, इस वजह से उनका हो जाएगा उसी में। तो इसलिए मम्मी ना सब्जी सुबह कट करके दे देती है ना 10 बजे, तो फटाफट से सब्जी भी बन जाती है। और आज समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो बस यहाँ पे मैं मसाला वगैरह सब तैयार कर लूँगी फटाफट से और सब्जी बनाने की तैयारी करूँगी। कर रही हूँ सब्जी छौंक दूँगी उसके बाद। और हाँ, आप ना वीडियो को लाइक नहीं करते ना ही कमेंट करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है और कुछ नहीं है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और वीडियो बनाएं, कि अच्छा लगता है। तो बस एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी, जैसी आपको लगी हो आप कमेंट कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी। और फिर अक्षिता मुझे बोल रही थी कि मम्मा यम यम, उसका मतलब होता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो फिर मैंने सोचा सब्जी के लिए मैंने ना तेल यहाँ पे गरम किया था, अच्छे से पका लिया था। फिर मैंने सोचा मैं ये पापड़ फ्राई कर देती हूँ अभिनव के लिए भी और अक्षिता के लिए भी, क्या अलग से बर्तन करूँगी, मैंने कहा ज़्यादा बर्तन हो गए। इसी वजह से ना मैंने सेम ऑयल में ही फ्राई कर ली थी जिसमें मैंने सब्जी बनानी थी। आपसे चिज्जी खानी है, आपसे चिज्जी खानी है, आ जाओ चिज्जी, चिज्जी ओ उड़ गई चिज्जी, तो आ जाओ आ जा, चलो दादू पाज खा लो जाके, खिंडाएगी नहीं, नीचे नहीं खिंडाएगी, चल जाओ। कर लिया क्या, चेक कर लिया न्यम न्यम भाई से, अच्छा भाई ने दिया था, ये सैंडल डाल के कौन बैठता है बेड पे। और यहाँ पे सब्जी जो है मैंने बनने के लिए रख दी थी, और साइड में गैस पे मैंने अक्षिता की जो दूध की बोतल है वो बॉयल होने के लिए रख दी थी। और मैंने एक कुकर में ना चावल भी डाल के रख लिए थे वॉश करके अच्छे से, कि ताकि जैसे अक्षिता की जो दूध की बोतल है वो बॉयल होंगी मैं सेम गैस पर ही चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो फटाफट से मैं चावल भी रख दूँगी, दोनों चीज़ साथ ही साथ बन जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक दाल तो रखी है तो दूसरे की क्या ज़रूरत है। अरे बादशाह, ये देखो गाइस कितनी तेज बारिश आ रही है, शायद आप लोगों को आवाज आ रही हो। ओ गाइस, मुझे जाना था अभी मार्केट। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना कि मुझे मार्केट जाना है, जो सामान है वो खत्म हो रखा लेके आना है, लेकिन देखा तो बारिश स्टार्ट हो गई है, अब मैं नहीं जा सकती। ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी तो है, हटता नहीं है, उल्टे काम तो पूरे कर लेता है। दादी गिग्गी नहीं, वो गिग्गिया है बेटा, वो गिग्गी नहीं है, वो गिर गया होता है। दादी देखिए यहाँ पे बना रही हैं गुलगुले, बारिश स्टार्ट, मेरे को तो लगा मम्मी गई है पकोड़े बनाने के लिए, मेरे को भी बारिश स्टार्ट हुई लगा पकोड़े बन रहे हैं, मेरे को भी सेम 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 डिटो। अरे अब क्या, वो भी बोल रही डिटो। अक्षय गुलगुले खाएगी, दादी यहाँ गुलगुले बना रही है, तेल खिलाएंगी सबको। क्यों ये होता है बचपन, कोई चिंता नहीं, कोई क्यों लिया उसने, क्यों लिया आपने कहा कोई चिंता नहीं, बचपन हम नहीं जान देंगे, दे ना दे दे। अच्छा, नहीं, बोलो नहीं, अरे ऐसे उल्टे काम करता है ना तू, इसके मुंह के अंदर हवा डाल दी, ऊपर बजाने वाला था ना वो तो टूट गया, वो तो पता नहीं कहाँ गया, ये खाली अपने मुंह से ही कर दिया।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आ जाओ अब, आ जाओ आप, आ जाओ अक्षु, अक्षु पक्षु और यहाँ पे गुलगुले जो है वो बनके रेडी हो गए थे। तो मम्मी बोलती कि दही के साथ टेस्टी लगते हैं, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की और दही में भी मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली थी क्योंकि गुलगुले में थोड़ा सा मीठा मुझे कम लग रहा था, बट टेस्टी लगे, एक बार ट्राई करना आप भी। तो गाइस अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ मार्केट क्योंकि मम्मी को लेने हैं सूट, दो सूट कहते हैं लेके आने हैं गर्मियों के, तो इसीलिए चलते हैं मार्केट और फिर वहाँ जाके मिलती हूँ आपसे। लेकिन पहले मैं अपनी एक्टिवा निकाल देती हूँ बाहर और अक्षिता वहाँ दादू पास खेल रही है, किधर 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 किधर, अरे कैमरे में, और तो वहाँ खेल रही है दादू के पास और मैं और मम्मी जाएंगे मार्केट, पास में ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एक्टिवा पर जाना है और फटाफट से आ जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। मम्मी ने अगर फटाफट से पसंद कर लिए, थप्पड़ खाएगा, डराएगा नहीं मेरे को ऐसे। दादी कहाँ है? हाँ मम्मी चलो आ जाओ फटाफट आ जाओ, मम्मी को छेड़ेंगे अभी, मम्मी को अभी ना दीदी नहीं आएंगे काम वाले, झाड़ू पोछा के करेंगे। मैं कह रही हूँ ज्यादा से नोट ले लेना है, मैं ज्यादा से नोट ले लेना, पैसे इकट्ठे तो कर रखे आपने, दो तीन पेंशन के है नहीं, अच्छा चलो तीसरी भी आने वाली है, 25 तारीख को मिलेगी हमें तो, मैं भी मिलती, फिर मैं जा रही हूँ आपके साथ, फिर मैं खाली थोड़ा ना आती हूँ जब जाती हूँ कहीं, ठीक है एक मेरे को दिला देना, हट जा रहा बोल को ना कर, ठीक है कभी वहाँ कहे मैं नहीं दिलाती इतने का, मैं वहाँ जाके देखूंगी, ज्यादा ले जाना पोटला सा उठा लिया अपना, एक दवाइयों का थैला है, पैसे निकालो ना, नोट नोट निकालो, नोट नोट ही देख रही हूँ, अभी रबड़ डाल डाल के रख रखे होंगे, देखो इनमें कोई रबड़ नहीं है, इनमें रबड़ कहाँ से आएगा, रबड़ डाल डाल के रखते हैं, मैं तो 500 तो खर्च करी आई उस दिन, अच्छा जो बच रहे हो गई है देख लो कितने, ये गिर गए ले जो है वो भी ज्यादा हो रहे हैं ज्यादा, और ना देख कहते ऐसे रही है, मैं जो पेंशन के वही पैसे और है ही नहीं आपके पास, ये रहे नोट तो बथेरे जोड़ के बैठे रहते हो आप, एक्टिवा निकाल लूं तो नहीं दी। कुछ और तो नहीं करना, बस ऐसे ही चल रहे है? चल रहे और बस, चलो फिर मैं भी चल रही, मेरे क्यों मारने आई है पहले ये बता, चिज्जी मैं लेके आई हूँ, अक्षु खाएगी एक दो दो चिज्जी, वाह दो लीटर वाली वो कोला, कुछ नहीं लाई कोला कोला, चलो आ जाओ चिज्जी देंगे अक्षु को, चलो बाल ले लो, मैं बॉबी देओल बनी घूम रही, छोटा बॉबी देओल, अक्षु खा लो चिज्जी, अक्षु ने वो कौन, चलो आ जाओ, ये कौन है वो, ओ क्या कौन है वो, मैं किसने करी, अक्षु मेरे मारने आई, बता किसने कहा था मेरे मारना, ये चिज्जी दे, चिज्जी के साथ साथ घूम रही पीछे, चलो ये दादी का सूट, अरे ये आज मेरी बेटी को देती हूँ, ये दादी का सूट, तो किचन में शॉपिंग करके पहुंच गए थे हम घर पे और अभी ब्रेड पकौड़े लेके आए हैं, जलेबी लेके आए हैं, तो उसके साथ बनेगी चाय, गर्मा गर्म चाय, और मेरे को ना आज याद नहीं था कि आज एकादशी है, वो भी बड़े वाली, लेकिन मैंने चावल बना दिए थे तो मम्मी ने याद दिलाया कि आज एकादशी है, तो इसी वजह से जो ये चावल है किसी ने नहीं खाए, अब इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी और कल खाए जाएंगे, चलो इनको फ्रिज में रख देंगे निकाल के, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय गर्मा गर्म, जिस जिसको पीनी है, गैस भी नहीं साफ की, फटाफट से पहले हम मार्केट गए हैं, मैंने सोचा पहले मार्केट ही जाते हैं, मम्मी बोलते हैं कि मुझे सूट चाहिए गर्मियों के घर पे डालने के लिए, तो इसलिए हम फटाफट पहले गए मार्केट, कि आपके काम तो होता रहता है, और आज जो दीदी आते हैं झाड़ पोछे वाले वो भी नहीं, जो दीदी आते हैं ना झाड़ पोछे वाले वो भी आज आए नहीं शाम को, क्योंकि उनका फास्ट था एकादशी का, और जो एकादशी का फास्ट होता है वो निर्जला फास्ट होता है, उसमें बिल्कुल भी पानी तक नहीं पीते, इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे प्यास लगेगी बार बार, इसलिए मैं आज नहीं आऊँगी, सुबह आए थे थोड़ी देर के लिए, सिर्फ झाड़ू वगैरह तो मैंने कर दी थी, सिर्फ पोछे वगैरह करके वो चले गए थे, तो बस अब हम चाय बना रहे हैं, बाहर बारिश आने वाली है और फिर हम
खाएंगे ब्रेड पकौड़े, किस किस को खाने फटाफट से आ जाओ। और अक्षिता को और अभिनव को तो मैंने दे दिया फटाफट से आके, क्योंकि अक्षिता को भूख लगी थी तो उसको दही के साथ दे दिया, वो दही के साथ तो खा लेती है। और अभिनव को भी दे दिए मैंने, चाय वगैरह को पीता नहीं है, चाय मेरे लिए, पापा के लिए और मम्मी के लिए बन रही है। और फिर उसके बाद ये बर्तनों का ढेर, अभी तो इसमें और ऐड हो जाएंगे बर्तन, तो वो बर्तन जो भी हैं सारे साफ करूंगी इकट्ठे ही एक बार। चाय बना के पहले झाड़ू लगाऊंगी, मम्मी उनको दे दूंगी और मैं बाद में खाऊंगी झाड़ू लगाने, क्योंकि टाइम होता जा रहा है शाम का, क्योंकि फिर सूरज ढल जाता है। सूरज की आज तो सूरज दिखाई नहीं है, ढलने की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम ना झाड़ू नहीं लगाते ज्यादा, जैसे दिन छिपने वाला हो। यहाँ पे जो चाय है हमारी बन के रेडी है, तो डाल दिया। मम्मी मुझे बोलते दूध चाय में दूध नहीं डालती, मेरे को ना ज्यादा दूध वाली चाय पसंद नहीं है, पत्ती तेज वाली पसंद है, थोड़ी पत्ती और डाल लेती हूँ। चाय पत्ती में चाय पत्ती के बिना क्या मजा है, सफेद सफेद चाय की अच्छी लगती है। तो चलो, तो चलिएगा मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी मम्मी पापा को चाय वगैरह दूंगी, फिर मैं झाड़ू लाऊंगी, उसके बाद मिलूंगी आप लोगों से। और ये मम्मी की और पापा जी की चाय हो गई, और साथ में दो ब्रेड पकौड़े और साथ में जलेबी जो भी अभी हम लिख के आई है। ऐसे कौन खाता है? अच्छा है, ओके दोबारा भी लेके आएंगे हम, यहाँ बैठ के अगर आपने खा लिया फिर वहां रख दिया उसने और आपने खा लिया, बताना फिर क्या करेगी अगली नम नम। हाँ भाई को तो कह रही है खा लो खा लो। ये है सूट जो मम्मी लेके आई है, मेरे को अच्छा लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है, रंग ना इसका है ना, क्या आपको नहीं लग रहा? अब लाऊंगी सिलवा लूंगी, सिलवा लूंगी एक दो तीन, और इसके साथ का सूट इसके साथ का सूट मम्मी सिलने भी दे आई है ना, पोटली खोल ली दवाइयों की, नहीं पैसे रखो, अच्छा पैसे रख रहे, मैंने दवाई खा रहे हूँ मैंने, अच्छा फिर आज तो 50 का नोट मिल गया है गिरा हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं है, नहीं खुशी नहीं। अरे मिलते नहीं ना कभी गिरे हुए, देख असली है ना, हाँ असली है और क्या नकली है, दिखाओ असली नोट है, ले भाई नोट मिला 50 का बढ़िया है। 1 2 3 तीन सूट लेके आई है मम्मी, एक सूट सिलने के लिए भी दे आई। आज मैं तो लेट गई थी, मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो का एंड ही नहीं किया, और अभी 10 बज रहे हैं रात के, और अभी ये महारानी बैठी ही है, पता नहीं कितनी देर में सोएगी, आज ये 7 बजे के करीब सो गई थी और ये 8 बजे उठी है, तो वो ये घंटा शायद लेट ही सोई है। और बस फिर मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मा हाँ जी, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।